इस वीडियो में हमने जो है एक आइडिया को प्रयोग किया है जो आपको अभी दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखें, ये मल्टीमीटर जो लगा हुआ है ये आउटपुट के सॉकेट पे है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो है एक ट्रांसफार्मर यूज किया है और यहाँ ये सी शो कर रहा है, वो है बैरिक से कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में एक कैपेसिटर लगाए हैं और यहाँ आउटपुट का ये जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर पे शो हो रहा है। ये है 12 वोल्ट की इन्वर्टर, यानी 12 वोल्ट का जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसके ट्रांसफार्मर से हमने जो है ये आइडिया को डेवलप किया है। और इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाएगा इसको हम बताएंगे, लेकिन आज हम आपको इसमें दिखाते हैं कि इसे 30 वोल्ट जैसे यहाँ पर गया आउटपुट, अब 30 से 31 यानी मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखेंगे 31 वोल्ट तक हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट एसी के सप्लाई पे, यानी बैरिक से 0 से लेकर 230 के वेरिएशन पे यहाँ पर 217 वोल्ट हमने इनपुट दिया है, जिससे 30 वोल्ट जो है आउटपुट हमको मिला है। वो किस मेथड से मिला है अभी हम लास्ट में आपको डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो ब्रिज जो रेक्टिफायर है जिसका नंबर यहाँ पे 3510 है और दोनों को पैरेलल में यूज किया है। एक कैपेसिटर आउटपुट पे लगाया है, इनपुट पे एक क्रोकोडाइल जो लगा हुआ है दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव के द्वारा, ये इसका स्क्वायर वेव का इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है वो बीच वाला जहाँ पे प्लस जुड़ता है उसके छोड़ के, और ये कैपेसिटर हमने जो है प्राइमरी में इनपुट के रेंज जहाँ पे इनपुट होता है वहाँ पे यूज किया है 250 वाले रेंज पे, यानी बीच में यहाँ पे 160 140 वाली बैंडिंग हमने ओपन एनसी छोड़ दिया है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। रेक्टिफायर दो यूज किए गए हैं जो 3510 है जिसका नंबर दोनों का, तो एक ये हो गया एक ये हो गया और इसे पैरेलल में ज्वाइंट कर लिए, प्लस का प्लस माइनस का माइनस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर बीच में जो एसी वाला पॉइंट है फिर उसको भी पैरेलल में जोड़ लिए, तो दोनों पॉइंट को यहाँ पर लाकर ट्रांसफार्मर के साइड वाले पे लगा दिए, बीच में ये कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट जो एक न्यूट्रल है और ये चार्जिंग वाला पॉइंट, इसे हमने कैंसिल कर दिया और ये लास्ट में जहाँ से आउटपुट निकलता है इन्वर्टर का उसके जगह पे यहाँ पे हमने जो है नॉन पोलर कैपेसिटर यूज किया है जिसका वैल्यू है 140 MFT 440 वोल्ट, और सबसे पहले यहाँ पे बैरिक में जाएगा, बैरिक से फिर यहाँ पे इनपुट, इनपुट से फिर यहाँ पे इसके सेकेंडरी में, सेकेंडरी से डीसी बना के, डीसी बना के यहाँ 4750 वोल्ट कैपेसिटर से फिल्टर करके यहाँ पे आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं 0 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक 2 एम्पीयर। ऐसे हम इसके सोलर को भी चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्जिंग सोलर चार्जिंग को भी चेक कर सकते हैं जो आपके सामने ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे सोलर चार्ज 2 एम्पीयर तक की मैक्सिमम यहाँ पे हमने जो है भी इसका प्रयोग किया है। ये एक ऑप्शन था, हमने देखा कि ऐसा करने से क्या होता है तो हमने इसको जो है इस पर प्रयोग किया है, और आगे भी जो और नए आइडिया होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में नए मिलते हैं नए वीडियो, थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।